युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दो दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खुली खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ। खुली खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत बालक वर्ग के कबड्डी का फाइनल मैच सरदारनगर और चरगावा के बीच खेला गया, जिसमें सरदारनगर ने 53-30 के अंतर से मुकाबले को जीतकर विजेता बनी। बालक वर्ग के वॉलीबॉल का फाइनल मैच कोराबार और पिपराइच के बीच खेला गया। कड़े मुकाबले में पिपराइच ने 25-23, 23-25, 23-25 के अंतर से जीतकर विजेता बनी। दोनों खेलों के फाइनल मुकाबले में जिला युवा कल्याण अधिकारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। विजयी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी बब्बन उपाध्याय ने प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कृष्ण मनोहर गौड़, कार्यक्रम प्रभारी रणजीत शाही, राकेश चंद्र शुक्ला सहित प्रतिभागी खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी बब्बन उपाध्याय ने कहा, मेरा नाम है नान भाई आ रहे बढ़िया पे कर दे और मार दे लेवटे बढ़िया मार दो पकड़ ले आले वो सीधा होते चले जाएंगे ना, शुरू कराइए ना। देखिए, जनपद स्तरीय दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता थी बालक और बालिकाओं का, इसमें विशेष रूप से एथलेटिक्स वॉलीबॉल और कबड्डी का प्रतियोगिता था। इसमें हमारे 19 ब्लॉकों के बच्चे भाग लिए थे और उसमें जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन जो बच्चे उसमें भी पहला, दूसरा और तीसरा स्थान लाए थे उन बच्चों का आज पुरस्कार वितरण किया गया, उनका हौसला अफजाई किया गया और हम लोगों ने आज उसी का एक कार्यक्रम किया तहत आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और पुरस्कार वितरण के बाद एक कार्यक्रम समापन किया गया है। सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, किंतु जो बच्चे बहुत अच्छे किए उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया है।